महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और तीन राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या होने वाला है आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें क्या होगा, क्या बीजेपी की वापसी होगी या क्या गठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होता है तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। या दोस्तों महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले बात करते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, शिवसेना को 1 और एनसीपी को करीब 4, जिसमें कांग्रेस शामिल हो सकती है जो गठबंधन है, लेकिन शिवसेना यहाँ पर एनसीपी प्लस कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये तीनों ही दल आपस में अलग है लेकिन फिलहाल ये सरकार में है और शिवसेना बीजेपी के साथ थी और बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। क्या ये जनता को पसंद आएगा, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी गठबंधन को बहुमत दिया था लेकिन ये सरकार बना ना सके, लेकिन अब क्या होने वाला है सभी जिलों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को 1 और 1 एनसीपी कांग्रेस के लिए अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जबकि अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर शिवसेना की बात करें तो करीब 1 सीट और एनसीपी कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। ये महाराष्ट्र को लेकर ताजा आंकड़े के सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर औरंगाबाद की करीब 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 2 और 2 एनसीपी कांग्रेस के लिए अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बीट की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि शिवसेना को 2 और 2 एनसीपी कांग्रेस के खाते में भी विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना एनसीपी प्लस कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बात करते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 1 सीट, जबकि शिवसेना को यहाँ पर फायदा हो रहा है। 3 सीटों पर शिवसेना एनसीपी प्लस कांग्रेस को 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। गढ़चिरौली की तो 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना के लिए 1 सीट, यहाँ पर बात करें तो एनसीपी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी करीब 1 सीट, 1 सीट शिवसेना, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इंगोली की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 2 विधानसभा सीटों पर 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस शिवसेना के यहाँ पर एनसीपी के खाते में जा सकती है। अब तक महाराष्ट्र की 71 सीटों पर जो आंकड़े हैं इसमें बीजेपी करीब 31 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को 17, एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए 19 विधानसभा सीटें, अन्य खाते में 4 सीट है। यानी जो गठबंधन रहता है महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी प्लस कांग्रेस का, तो इसको यहाँ पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए आप जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी करीब 10 विधानसभा सीटें, जबकि एनसीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जलाना की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 2 सीटें, जबकि 3 सीटें यहाँ पर एनसीपी प्लस कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कोलहापुर की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 5 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर शिवसेना एनसीपी के खाते में यहाँ पर 3 और 2 सीटें यहाँ पर एनसीपी खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर ये ताजा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 4 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 1, एनसीपी प्लस के लिए यहाँ पर 1 सीट, जबकि महाराष्ट्र की अब तक 103 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी करीब यहाँ पर 52 विधानसभा सीटें हैं, जबकि शिवसेना को यहाँ पर 21 और एनसीपी प्लस के लिए 26 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी करीब 5 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 2, एनसीपी प्लस के लिए यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर यह महासर्वे सामने आ चुका है, जबकि मुंबई यानी पूरा जो महानगर है उसको लेकर 26 विधानसभा सीटें आती है और 26 में से यहाँ पर बीजेपी करीब 12 विधानसभा सीटें, जबकि यहाँ पर शिवसेना को 3 और 11 सीटें एनसीपी प्लस कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं। ये महाराष्ट्र को लेकर अब तक 139 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी करीब 69 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को यहाँ पर 26, एनसीपी प्लस के लिए 40 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी करीब 5 विधानसभा सीटें, शिवसेना
शिवसेना को 5-2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस प्लस के लिए यहाँ पर जा सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर ये महा सर्वे है, उसमें यहाँ पर बात करें तो काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं नादेड की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 5 विधानसभा सीटें हैं, शिवसेना को 1-3 सीटें कांग्रेस प्लस के लिए यहाँ पर जाने की संभावना जगह रही है, जिसमें एनसीपी भी शामिल हुए है और अन्य के साथ में एक भी सीट यहाँ पर जाती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र को लेकर अब तक के ताजा आंकड़े हैं, यहाँ पर बात करें तो नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 3 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना, जबकि यहाँ पर अन्य और एनसीपी खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण नासिक की 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी करीब 8 विधानसभा सीटें, शिवसेना को यहाँ पर फायदा हो रहा है करीब 5 विधानसभा सीटें और एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। अब बात करते हैं यहां पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 1 सीट, जबकि एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर 183 सीटों में बीजेपी को करीब यहाँ पर 91 सीटें, शिवसेना को करीब 40 और एनसीपी के लिए यहाँ पर 50 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी करीब 1 सीट, शिवसेना को करीब 3 और एनसीपी के लिए यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहाँ पर बात करें तो परभनी की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 1 सीट, शिवसेना को करीब 2 विधानसभा सीटें, एनसीपी के लिए 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। पुणे के लिए 21 विधानसभा सीटों में बीजेपी करीब 11 विधानसभा सीटें, शिवसेना को करीब 8 विधानसभा सीटें, जबकि एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना महाराष्ट्र को लेकर लगाई जा रही है। बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी करीब 2 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 2 और एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। यानी महाराष्ट्र को लेकर अब तक 121 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 110 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 49 और एनसीपी प्लस के लिए 40 विधानसभा सीट आने के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में आप चुनाव तो इस प्रकार के आंकड़े बनने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक दल बदल चुके हैं, ऐसे में अब आंकड़े भी बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, इसको लेकर ताजा आंकड़े हैं। अब बात करते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जबकि एनसीपी को करीब 1 विधानसभा सीट है यहाँ पर मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर बात करते हैं सारंगली की, तो 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी करीब 5 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 1, एनसीपी प्लस के लिए 2 विधानसभा सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी करीब 4 विधानसभा सीटें, शिवसेना को 1, एनसीपी प्लस कांग्रेस के लिए यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। सिंधुदुर्ग की यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी करीब 1 सीट, शिवसेना को 1 और 1 एनसीपी के लिए जाने की संभावना महाराष्ट्र को लेकर अब तक के आंकड़े हैं। सोलापुर की यहाँ पर बात करें तो 11 विधानसभा सीटें और यहाँ पर बीजेपी करीब 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर बात करें तो शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी प्लस के लिए 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर बात करें ठाणे की 18 सीटों के लिए तो बीजेपी करीब 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि शिवसेना को 4, एनसीपी प्लस के लिए यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। बात करते बर्दा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी की 2 सीटें, 1 सीट शिवसेना और 1 सीट यहाँ पर एनसीपी प्लस के लिए जाने की संभावना महाराष्ट्र को लेकर लगाई जा रही है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटें, शिवसेना को यहां पर 1 भी सीट नहीं, एनसीपी प्लस के लिए 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यानी महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों में से अगर बात करें 145 विधानसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और 2019 विधानसभा चुनाव में एक भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिला था, लेकिन ये सरकार बना नहीं सके और शिवसेना एनसीपी प्लस कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात की तो इस बार भी किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी को करीब 142 विधानसभा सीटें यानी बहुमत से काफी नजदीक बीजेपी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में क्या बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ा लेगी या फिर कुछ और नया यहाँ पर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस करेगी और यहाँ पर उनका आंकड़ा बढ़ जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जबकि शिवसेना को करीब 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है, एनसीपी प्लस के लिए 82 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी तीनों पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका हो सकता है और बीजेपी यहाँ पर आंकड़ा फिसल सकता है और शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी विधानसभा चुनाव पर या फिर शिवसेना एनसीपी एक बार फिर से अपनी सरकार बरकरार रखेंगे, इस पर अपने राय को प्रमुख रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक पूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।